हाथी ले बे घोड़ा ले बे हीरो हंडा लगायब चार डंडा दिमाग हो बे ठंडा। के स्टार ने भी आपके गाने पे रील्स बनाया है। जी भोजपुरी की बहुत सारी, अक्षरा दी ने बनाया हाँ है, फिर काजल राजवानी दी ने हाँ बनाया है, उसके बाद रानी चटर्जी जी ने बनाया है, बहुत सारी। करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर जुटे भी जदे मंगवा लगे जो मैं लगाया बचार डंडा दिमाग हो बैठंडा। अरे तो ये डर नहीं लगा? डरने के क्या है, अरे रिस्क नहीं लेंगे तो फिर इश्क कैसे होगा। अभी हमारे साथ बिहार की बेटी प्रिया मलिक है, जो पिछले दिनों काफी चर्चा में थी। चर्चा में इसलिए थी क्योंकि एक इन्होंने ऐसा गाना गाया कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बवाल मच गया, और बवाल मचना ही भी था क्योंकि दहेज प्रथा से जुड़ी बात जो थी। अभी हमारे साथ प्रिया मलिक है, इनसे बात करेंगे उस गाने के बारे में कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो दहेज प्रथा पे इतनी बड़ी बात बोल गई। आपका पिछले दिनों एक गाना बड़ा चर्चा में रहा, ट्रेंडिंग में रहा, हर एक जी स्टार उस पे रील्स बनाते हुए नजर आए, क्या कुछ जी कहिएगा? सबसे पहले तो सच टॉक्स के सारे दर्शकों को आपकी बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी प्रिया मलिक का बहुत सारा प्यार दुलार। अब हम बात करते हैं अपने बिल्कुल गाने पे। जी हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं अग्री करते हैं कि दहेज जो है एक समाज का, कह कहा जाए तो श्राप है, एक कलंकित कलंक है देखा जाए तो। तो मेरा जो गाने का अंदाज है, लोग जानते हैं कि मैं पारंपरिक चीज़ों को नए तरीके से पेश करती हूँ, ताकि आज का जो हमारा यूथ है जो ट्रेंड को फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं अपने रूट्स और ट्रेडिशन से भी कनेक्टेड रहे। ये मेरा अंदाज रहा है। तो हम, मेरा ज़्यादा मैथिली में हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि मिथिला से हैं, बट अब है तो बिहार में ही, तो भोजपुरी के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनता है, बिल्कुल और मेरे फैंस चाह भी रहे थे कि हम उसमें भी कुछ करें आगे, जब हम सच है तो सब सच निकलेगा टॉक में। तो बात करेंगे तो कहीं ना कहीं भोजपुरी में जो एक अश्लीलता वाला एक फैक्टर आता है, तो मेरा था कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छे कंटेंट पे व्यूज नहीं आ सकते, अच्छा कंटेंट ट्रेंड नहीं कर सकता है। तो मेरा था कि इसमें दो बातें हो जाएंगी, एक तो मैसेज जाएगा दहेज के प्रति, और एक अच्छा कंटेंट म्यूजिक इंडस्ट्री वो मिलेगा कि जिसमें अश्लीलता मुक्त और ट्यूनर मुक्त जो है गाने सुने जाएंगे, जो आप अपनी फैमिली के साथ सुन सकते हैं, क्लब में सुन सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। तो ऐसे ही, और मेरा है कि हम जो भी गीत पारंपरिक स्पेशली करते हैं उसके बारे में रिसर्च करते हैं, हमारी पूरी टीम है, तो पढ़ते हैं क्या है नहीं है। तो ऐसे ही गाँव गए थे तो वहां पर सुनते हैं, क्योंकि ये जो गीत है हाथी लेबे घोड़ा लेबे, ये दादी लोग जो है वो, दादी चाची मौसी सब जो ऐसा घूंघट जो है वो तान के कहते हैं ना, हमारे यहाँ ओढ़ना नहीं बोलते, घोंघोक तानती हैं। हाँ, तो वो सब गाती थी, तो हम सुने, हमको बड़ा अच्छा लगा। तो एक्चुअली हम 2 साल पहले इधर ही कहीं गए थे, हाँ मुजफ्फरपुर गए थे, एक शो था हमारा, तो वाइल्ड कमिंग ऐसे रैंडम हम चले गए थे घर में, और वहां पर चूल्हा के पास जो है बैठ के, और ये गीत ऐसा है जो मतलब है तो मजाक वे में, कि जब दूल्हा वाला डिमांड करता है दहेज का, तो वो लोग ऐसा सरकास्टिक में हमें बोलती हैं, पर इसके पीछे मैसेज भी बहुत बड़ा बिल्कुल है। हाँ, तो वो लोग तो ऐसे ही मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसे करके गा रहे थे मौसी लोग, तो हम ऐसे ही डाल दिए रैंडम शूट मतलब करके इंस्टा पे, तो वही काफी ज्यादा उस पे व्यूज आ वायरल गए हुआ। थे। तो फिर हमको लगा यार कि मेरा जो स्टाइल है वो क्यों नहीं इसमें कुछ ट्राई करें। तो एक दो चीजें हो जाएंगी, एक तो लोगों को अनएक्सपेक्टेड होती है, अच्छा ये जो गाना घर घर गाते हैं इसको ऐसे भी गाया जा सकता है, दूसरा अश्लीलता मुक्त है जिसपे आप इसको अच्छे से सुन सकते हैं, वाइब कर सकते हैं, बिल्कुल और जो एक स्टाइल है कि जो पारंपरिक चीजों को नए तरीके से, ट्रेंड और ट्रेडिशन का मिलन। तो शुरुआत हुई हमने, अब आज इस गाने को 1 महीना हो रहा है, और लेकिन लगातार ट्रेंडिंग में रहा महीने दो से। बिल्कुल अभी भी ट्रेंडिंग में है। आज अभी जस्ट आपके इंटरव्यू से पहले 99.9 के रील्स था, अब आई थिंक अभी देखेंगे तो 1 लाख हो गया होगा। बिल्कुल तो 10 मार्च को हमें रिलीज किए थे, और देखिए कहीं ना कहीं उसके जब बाद देश भर में एक अलग माहौल बन गया था प्रिया मलिक का। डेफिनेटली मतलब देखिए, कभी जब आप बनाते हैं कोई चीज, जैसे कि आप हैं, आप बोलती हैं और लिखती भी होंगी आई एम श्योर, तो कुछ कुछ अंदर से आती है ना कि मैंने अच्छा काम किया है। तो ये हमको था सेटिस्फेक्शन मिलता है। कि एक वाइब था कि ये गाना लोगों तक पहुंचेगा, भले थोड़ा देर से पहुंचे, क्योंकि ज्यादातर होता है कि भोजपुरी में जो अश्लील चीजें हैं वो ज्यादा लोगों तक जल्दी पहुंच जाती पहुंचती हैं, है। और जो अच्छा काम है उसको टाइम लगता है पहुंचने में। बहुत सारे अच्छे ऐसे गाने आए हैं,
और धीरे धीरे ऑडियंस में पहुंचे। और आजकल सोशल मीडिया का क्या है, कभी भी कुछ भी एल्गोरिदम है, कोई भी ट्रेंड कर जाता है, 10 साल पहले का गाना अभी ट्रेंड कर रहा है, या कोई भी कुछ भी हो जाता है। तो मुझे पर विश्वास था कि ये गाना लोगों तक पहुंचेगा, पर इतना जल्दी, इतना ज्यादा, और ना ही केवल बिहार में, मतलब बाहर जो कमेंट सेक्शन देखते हैं, जैसे अब हम मुंबई में रहते हैं, वहां के भी लोग जो मेरे, जो जैसे कि हम साथ साथ बॉलीवुड में काम करते हैं, अभी हमारा गाना महारानी 3 में आया है, जी आ चुका है, तो वो लोग, मतलब जो मेरे बॉलीवुड के जो म्यूजिशियन फ्रेंड है, वो दे वर ऑल्सो वाइबिंग, वो बोले कि यार गजब है, मतलब बहुत सही लग रहा था यार, वो लोग भी गा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था उनके मुंह से सुन के, कि जैसे हम एंट्री कर रहे स्टूडियो में तो सब बोल रहे हैं लगाया बेचारे डंडा, तो बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन था कि राजस्थान के लोग इस पे रील बना रहे हैं, मतलब, और जिन 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 लोगों ने रील्स भी बनाया उनके रील्स पे भी व्यूज बहुत गए। तो ये के स्टार ने भी आपके गाने पे रील्स बनाया है। जी भोजपुरी की बहुत सारी, अक्षरा दी ने बनाया है, फिर काजल रजवानी दी ने बनाया है, उसके बाद रानी चटर्जी जी ने बनाया है, बहुत दीपक सारे, ठाकुर ने भी बनाया था। दीपक जी तो इसमें मतलब हमने उनको, वो तो फीचर ही हुए थे, तो वो तो उन्होंने बनाया ही है, और बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, मुझे अप्रिसिएशन कॉल आया है कि बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, आपसे बहुत अच्छा, उम्मीद है। प्रिया मलिक को ये पता था कि ये गाना गाते आग लग जाएगा? मतलब ये तो पता था कि लोगों तक पहुंचेगा, बट ऐसा आग वाला जो था, हमको भी सच में अगर बोले तो नहीं विश्वास था, मतलब एक अपने पे विश्वास था कि लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को लगेगा कि कुछ अलग आया है, एक स्टैंडर्ड सेट हुआ, एक अपग्रेडेड म्यूजिक, जो वही जो एक स्टाइल चला आ रहा है भोजपुरी का, ढिकचिक ढिकचिक ढिकचिक, उससे उठकर कुछ स्टाइल है, तो वो तो पता था, बट विद इन अ वीक ट्रेंड, और इंस्टा में टॉप 50 सॉन्ग पे हम 13 और 15 नंबर पे ट्रेंड कर रहे थे पूरे एक हफ्ते तक किए हैं। स्पॉटिफाई पे अभी जस्ट मैंने देखा कि भोजपुरी माटी का, जैसे स्पॉटिफाई का अलग अलग होता है ना, इंडी म्यूजिक होता है, फिर रीजनल हो गया, तो उसमें भोजपुरी माटी करके स्पॉटिफाई का एक कैटेगरी है, तो उसमें अभी जस्ट देखे कि मेरा कवर अपडेट हो गया है भोजपुरी माटी, और मेरा सुकून मिलता होगा ना जब जब गाना बहुत अर्थ खुशी से हो रही है। फर्स्ट, मतलब एकदम फर्स्ट से अर्थ तक जब पहुंचता होगा तो काफी सुकून मिलता होगा। सुकून नहीं, एक्चुअली ये सुकून तो ठीक है, मतलब कहते हैं ना, अंदर आत्मा को एक शांति पहुंचती है, मतलब एक और एक्चुअली और मोटिवेटेड आप फील करते हो कि अब और अच्छा करना है, कि लोगों को उम्मीद जग रहा है, जो हम कमेंट पढ़ पा रहे हैं, जैसे बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रिया मलिक जिस तरीके का म्यूजिक कर रही हैं या बना रही हैं, उससे अब ऐसा लग रहा है कि जो पारंपरिक चीजें, जो एक दौर हुआ करता था, सुंदर लोक गीतों बहुत का, भिखारी ठाकुर जी की जो रचना है, या महेंद्र मिश्र जी की, विंध्यवासिनी देवी है, शारदा सिन्हा जी वगैरह, जो उन्होंने एक, मतलब एक तरफा लोक गीतों को इतना नाम दिया है, राज किया है, तो वो एक स्टाइल वापस से अच्छे गानों का, शुद्ध गानों का, एक अलग अंदाज में, आज के अंदाज में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली हम पे ऑडियंस बोझ दे बिल्कुल। दी है, तो इसीलिए अभी जो भी प्रोजेक्ट्स भी हैं, हम बहुत फूक फूक के, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, मोस्टली हम लोग अपना ही बना रहे हैं, क्योंकि बहुत उम्मीद है और हम बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहते हैं, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाने का 2 लाइन हो जाए। हाँ बिल्कुल 4 लाइन गाएंगे, बिल्कुल। दो लाइन क्यों, तो ये है कि कहते हैं कि ए हो सरकारी बाबू, काहे भैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा, हम हो पापा के रानी, पटना से पढ़ल बानी, अभी ये रिपोर्ट लिखा के तो के चखाई बहुत माजा, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर जटे भी जदे मंगवा लगे जो मैं लगाया बचार डंडा, दिमाग हो बैठा ठंडा, लगाया बचार डंडा, हाथी ले बे घोड़ा ले बे हीरो हंडा, लगाया बचार डंडा, दिमाग हो बैठा ठंडा। तो बड़ा मजा आ रहा है, कल हमारा कार्यक्रम था पटना बिल्कुल। में, अंबुजा नियोजिया सिटी सिटी सेंटर पटना सेंटर। में, तो सच में, और देखिए पूरी दुनिया में परफॉर्म कर लीजिए, पर जब अपने होम टाउन में परफॉर्म करते हैं ना, एक अलग ही उसका स्वैग है। अलग स्वैग है और एक अलग सी खुशी है, मतलब हम तो एक तो मैं ऐसी कलाकार, ऊपर से ओवर इमोशनल कलाकार है, तो मेरी आंख में तो आंसू ही आ गया था जैसे एंट्री किए, हजारों लोग और सब हाथी लेवे घोड़ा लेवे का इंतजार कर रहे थे, तो लिटरली कल 4 बार रिपीट हम ये गाना गाया है, तो हमको सच में नहीं पता था कि इतना क्रेज हो गया है, तो वेरी अच्छा, जब दस ग्रेटफुल। मार्च को ये गाना रिलीज हुआ, प्रिया मलिक के मन में क्या ये डर नहीं था कि शादी का सीजन आने वाला है, बहुत सारे लड़के के जो पापा है मोटा मोटा रकम लेके रखे होंगे, तो कहीं उनके आत्मा को ठेस आत्मा ना को ठेस पहुंच ना जाए, पहुंचे, तो ये डर नहीं लगा? डरने के क्या है, अरे रिस्क नहीं लेंगे तो फिर इश्क कैसे होगा।
तो ये देख, रिस्क लिया गया। रिस्क लिया गया, और कहीं ना कहीं देखिए जो सच्चाई है वो लोगों तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा, चाहे ये मस्ती में बनाए लोग हाँ वाइब कर रहे हैं। लड़कियों का बहुत, स्पेशली लड़कियों का मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, वो कह रही है कि एक एंथम सॉन्ग हो गया है। लेकिन हाँ, मैं ट्रोलिंग की भी शिकार हुई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी क्योंकि मैं, अभी शादी का सीजन चल रहा है, बहुत सारे हाँ लोग मोटा लोग मोटा रकम उठाए होंगे, उठा रहे हैं। डिमांड भी किए होंगे कि भाई बुलेट चाहिए, फ्रिज चाहिए, तो कूलर चाहिए, एसी चाहिए। हाँ, अब तो एसयूवी वगैरह सब पहुंच हाँ गए हैं। बिल्कुल बिहार में देखिए ज्यादा है। डंडा दिमाग हो।